देख ही रहे हैं आप सब कुछ क्या पढ़ना है आपकी आँख के सामने। यूनिट सेकंड क्लास ट्वेल्थ का करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वैद्युत चालन, और कुमार मित्तल की बुक से उसी का न्यूमेरिकल लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं, बहुत तेज़ी से लगाना है। क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक वायर है उसमें 5 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना, 5 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। क्वेश्चन कह रखा है कि तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में, कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। ठीक, सबको पता है सर आई इज इक्वल टू क्यू बाई क्या होता है, टी होता है। सर आई इज इक्वल टू क्यू बराबर एन ई होता है अपान टी होता है। ठीक, क्यू बराबर एन ई होता है, एन चाहिए मुझे, तो एन ई इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा। एन इज इक्वल टू आई इंटू टी अपान क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। सर आई इज इक्वल टू 5 मिली का मतलब 10 to the power -3 एम्पियर एम्पियर, एंड टी इज इक्वल टू दिया 1 मिनट का मतलब कितना सेकंड, 60 सेकंड, और ई इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। अगर यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं, एन इज इक्वल टू दशमलव हटा दो, जीरो बढ़ा दो, 50 बटे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 10⁻³ ऊपर पहले से +19 हो जाएगा, ऊपर पहले से इस क्या है, ऊपर पहले से इस 16 भी है, एक 60 भी है। एक एम्पियर का मतलब कूलाम पर क्या होता है, सेकंड होता है, मल्टी ऊपर ही सेकंड भी है और नीचे कूलाम है, कैंसिल कैंसिल सेकंड सेकंड कैंसिल, यानी एन बराबर, जब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो जो कैलकुलेशन आएगा 1.875 × 10⁸ आ जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 मिनट के अंदर। ठीक, आइए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। एक वायर है उसमें 20 माइक्रो एम्पियर की करंट 30 सेकंड तक फ्लो होती है, 20 माइक्रो एम्पियर की करंट 30 सेकंड तक फ्लो होती है। ठीक है, आगे देखिए, कह रखा है कि क्या फाइंड आउट करिए, कह रहा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा जो एक तार के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाते हैं, मतलब कुल मिलाकर के एन बताना है आपको। एन बताना है, और क्या बताना है, और क्यों बताना है, दोनों बताना है, बहुत सिंपल है, सबको पता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा। आई आपको दे रखा है 20 माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ एम्पियर, टी बराबर कितना दिया हुआ बेटा, 30 सेकंड, तो क्यू बराबर 3 × 6 × 10⁻¹⁴ हो जाएगा, 2 जीरो से -6 खत्म, -4 एम्पियर का मतलब कूलाम पर सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, यानी 6 × 10⁻⁴ कूलाम, इतना चार्ज है बेटा। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का नंबर्स पूछ रखा है, तो सबको पता है क्यू बराबर एन ई होता है, एन बराबर क्यू बाई ई होता है, तो क्यू आपकी आँख के सामने है और ई आपको पता है कूलाम हो जाएगा, कूलाम कूलाम कैंसिल हो जाएगा, ये 60 कर दो / 16 कर दो, ठीक है, और 10⁻⁴ + 19 कर दीजिए, 4 × 16 और 15 × 60, यन बराबर, अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 12 3 बचेगा, 4 × 7 = 28 होता, 4 × 5 = 20 होता है, 10⁻⁹ कितना होता, 9 19 में से 4 गया कितना बचा, 15 बचा। अगर आप इसको चाहें तो 375 × 10⁻³ कितना, 13 इलेक्ट्रॉन, यही आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल देखें, क्वेश्चन नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या चीज़ कह रखी है, कह रखा है एक वायर है बेटा उसमें 1 मिनट में 30 कूलाम चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, कितना कूलाम चार्ज, 30 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रखा है करंट बता दें, ये भी कोई क्वेश्चन है, क्यू बाई, थोड़ा धीरे धीरे, 30 कूलाम टाइमिंग 60 सेकंड, कुल मिला करके 0.5 कूलाम पर सेकंड एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कह रखा है कि बेटा एक हाइड्रोजन की जो है विसर्जन नली है उसके किसी जो है हाइड्रोजन का डिस्चार्ज ट्यूब है बेटा, ये कोई डिस्चार्ज ट्यूब है, फिर क्या चीज़ कह रखा है, ध्यान दीजिएगा, कह रखा है उसके किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से हर सेकंड 1.0 × 10⁻¹⁸ प्रोटॉन्स जो हैं, 1.0 × 10⁻¹⁸ प्रोटॉन्स
ठीक है ना, प्रोटॉन्स पर क्या सेकेंड, तो प्रोटॉन ई प्लस लिख दीजिए, इतने प्रोटॉन्स पर सेकेंड, ठीक है, ये आपने पा गया एन ई प्लस पर क्या सेकेंड, पर सेकेंड, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो जिधर प्रोटॉन्स चलते हैं उधर ही करंट भी बहता है, सबको पता है, विद्युत धारा भी उधर ही बहती है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में बेटा इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं उसकी संख्या दे रखी है, 2.7 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स पर क्या सेकंड, ये क्वेश्चन आपका बोल रखा है, ठीक है ना। इसके अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाते हैं उसके अपोजिट करंट बहता है, सबको पता होना चाहिए, जिधर नेगेटिव जाता है उसके अपोजिट करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या चीज़ कह रखा आपसे बेटा, कि एक बार बताएं टोटल कितना करंट है इसमें। अब आप देखें टोटल करंट, तो दो लोग को मिला करके टोटल करंट आई बनेगा, वो होगा आई ई प्लस प्लस आई ई माइनस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा, आई ई प्लस प्लस आई ई माइनस, ठीक है। और सबको पता है धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ये बातें मैंने प्रोटॉन के लिए, और आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, ये बातें इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सर क्यू इज इक्वल टू होता है एनी, सबको पता है क्यू इज इक्वल टू एनी होता है, अब प्रोटॉन के लिए है तो एन के बाद ई प्लस लगा करके तब टी लिखेंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन के लिए है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, फिर ई लिखकर क्यू बराबर एनी आर भाई, दोनों में से एक चीज कॉमन कर लो, स्मॉल ई कॉमन कर लो, तो एन ई प्लस अपॉन टी, एन ई माइनस अपॉन टी, ठीक है, ई सबको पता है बाद में रख दिया जाएगा, एन ई प्लस अपॉन टी 1.0 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन पर क्या सेकंड, मतलब ये प्रोटॉन के लिए था, अभी इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, इतने इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, जो जुड़ जाए उसे जोड़ देना, ये आपके सामने है, दोनों को जोड़ दोगे 3.7 × 10⁻¹⁸ पर क्या सेकंड, ई 19 कूलम, ठीक है, पर क्या सेकंड। अब इसको कैलकुलेशन करना ये मेरे मन का काम नहीं है और मेरे बस का भी काम नहीं है, 0.592 एम्पियर, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा। फिर क्या चीज़ कह रखा है कि इनके टर्मिनल्स पर 220 वोल्ट लगाया गया है, इन टर्मिनल्स पर, इन दोनों के बीच, यहाँ पर भी ऐसे कुछ होगा, एक टर्मिनल बना दो, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच जो वोल्टेज है 220 वोल्ट है, तो पूछ रहा है रेजिस्टेंस बता दें, तो वी अपान आई होता है, तो 220 वोल्ट अपान 0.592 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस यहाँ से आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं 372 ओम, ये आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा, फिफ्थ नंबर, क्या कह रखा है, कह रहा है ए से बी की ओर 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकंड में जा रहा है, ए से बी की ओर 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन कितने टाइमिंग में जा रहा है, -3 सेकंड में जा रहा है। फिर क्या चीज़ कह रखा है, करंट या करंट दुनिया को पता है क्यू बाई टी, क्यू बराबर एन ई होता है अपॉन टी, एन आपको दे रखा है 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन टाइमिंग 10⁻³ सेकंड, करंट आपको पता है इधर ही आएगा बी से ए की ओर, अगर आप इजाज़त दें तो 1.6 × 10⁻⁹ प्लस कितना हो जाएगा 9312 कूलम पर सेकंड को, दुनिया को पता है एम्पियर होता है, माइनस कितना हो जाएगा 7 कूलम पर क्या सेकंड, कूलम पर सेकंड को इतिहासकारों ने क्या कह रखा है, एम्पियर कह रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कह रखा है मैंगनीन का एक वायर 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, जो करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर का, ठीक है, 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है,
रखा है कि तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर एक मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना, एक मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या एन चाहिए। सबको पता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई क्या होता है, टी होता है। फिर यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो क्यू बराबर एनी बाई टी होता है। सर एनी बराबर आई इंटू टी होता है। सर एन बराबर होता है आई इंटू टी अपान क्या होता है, ई होता है। आई होता है पॉइंट कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। टी आपका दे रखा है कितना मिनट, 1 मिनट का मतलब होता है 60 क्या सेकंड, ठीक है ना। और ई नीचे ले आओ, ठीक ना, को मेरा काम तो नहीं है कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करना मेरा काम नहीं है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाऊँगा। 0.560 upon 1.6 × 10⁻¹⁹ एम्पियर का मतलब कूलाम पर सेकंड होता है, और एक सेकंड यहाँ पहले से है, एक कूलाम भी नीचे है, यानी यन जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आ जाएगा 18.75 × 10⁻¹⁹ इतना आ जाएगा कैलकुलेशन करने पर, करके देख लेना, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रखा हाइड्रोजन का एक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 6.0 × 10⁻¹⁵ चक्कर लगा रहा है। हाइड्रोजन का नाभिक है ये, नाभिक का मतलब धनावेश, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर। इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है कै सेकंड में, एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है 6.0 × 10⁻¹⁵। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन 6×10⁻¹⁵ चक्कर लगा लेता है कै सेकंड में, एक सेकंड में। तो चाहे आप ऐसे कहो कि इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में इतने चक्कर लगा रहा है, और चाहे मैं ऐसे कह दूं कि एक सेकंड में इतने ही इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगा रहे हैं, बात तो सेम ही होगी। ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि आप एक कमरे में घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो आप एक सेकंड में चाहे 10 चक्कर लगाइए, और चाहे एक काम करिए 10 लोग एक ही सेकंड में एक चक्कर लगा लें, तो दोनों बार हुआ तो 10 ही चक्कर। समझ गए होंगे आई थिंक, आप नहीं समझे तो आप मूर्ख है, महामूर्ख। फिर से समझ लीजिए, हम कहते हैं कि आपको आसमान में गोल गोल चक्कर बनाना है, तो चाहे एक हेलीकॉप्टर एक सेकंड में 10 चक्कर गोल गोल घूम जाए, और चाहे एक साथ 10 हेलीकॉप्टर एक चक्कर लगा दें, 10 राउंड तो बनेगा, हो गया ना, क्योंकि मुझे सिर्फ राउंड बनाना था। तो ये बात वही है, चाहे कहो एक ही इलेक्ट्रॉन इतने चक्कर लगा दे कै सेकंड में, एक सेकंड में, और चाहे इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक एक चक्कर लगा ले, बात सेम होगा, ठीक है। आप क्या चीज़ कह रखा है, कह रखा है करंट का मान बता दीजिए, आई की वैल्यू क्या होगी। सर सबको पता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, सबको पता है क्यू बराबर एनी होता है बाई टी। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड्स, सर इतने हैं ये चक्कर प्रति सेकंड, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 19 कूलाम। ये सबको पता है, जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ से जो आंसर आएगा 0.96 mA आएगा, 10⁻³ एम्पियर। सबको पता है कूलाम पर सेकंड एम्पियर ही होता है, तो चाहे आप इसको मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक कॉपर का एक वायर है बेटा, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm² है। कॉपर का एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm² है। उसके बाद क्या चीज कह रखा क्वेश्चन में बेटा, कह रखा कि पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में 2.5 × 10⁻²⁴ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2.5 × 10⁻²⁴ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी पर मीटर क्यूब में, यानी आपको ये यन दिया हुआ है, दैट इज कैपिटल एन बाई वी, ठीक। फिर क्या रखा है, इसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। क्या रखा है कि एक काम करें, वी डी बता दें। सर कितना क्वेश्चन इजी है ना, वी डी आई अपान, सर आई की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर, और एन की वैल्यू आपको दे रखी है पर मीटर क्यूब, ई की वैल्यू सबको पता है
ए की वैल्यू आपको दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब 10 मिलीमीटर स्क्वायर था बेटा, 10^-6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। अब आप अगर ध्यान दें तो मीटर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। एम्पियर का मतलब कूलाम पर सेकंड होता है, सबको पता है, कूलाम कूलाम कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर ऊपर चला जाएगा, एम्पियर का मतलब कुछ रह नहीं गया, मीटर ऊपर चला जाएगा। तो बच्चा 2 × 2.5 × 10^24 × 1.6 × 10^-19 ऐसे बच रखा है 10^-6, ये मीटर ऊपर चला जाएगा और सेकंड नीचे बच जाएगा, बचना भी मीटर पर सेकंड ही चाहिए चूँकि वेलोसिटी है। अब कैलकुलेशन करने के लिए मैं जिंदा अभी नहीं हूँ, ठीक है ना, इसका आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड। आज तक कैलकुलेशन करने के लिए मुझे जिंदा रखे थे क्या तुम लोग? 9 देखिए क्वेश्चन नंबर, कह रखा है कि 0.5 मिलीमीटर रेडियस का एक वायर है और उसमें जो है बेटा 0.5 एम्पियर का करंट है। कोई वायर है, इसका ये रेडियस 0.5 मिलीमीटर है और इसमें जो करंट है बेटा वो भी कितना ही है, करंट का अमाउंट भी 0.5 एम्पियर ही है। फिर क्या चीज़ कह रखा है बेटा, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 4 × 10^28 पर मीटर क्यूब है, ठीक है ना, और यानी ये स्मॉल एन दिया हुआ है। फिर क्या चीज़ कह रखा है, कह रखा है कि एक काम करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता दें, मतलब बात सेम है, वी डी बताना है, सबको पता है आई इज इक्वल टू एन ई ए, वी डी होता है आई अपान एन ई ए होता है, आई आपकी आंखों के सामने है। चलो अभी लिख दो सर, ए के बारे में नहीं दिया आपको रेडियस, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ही ए है, लेकिन आपको रेडियस दिया है तो आपको लेना पड़ेगा पाई आर क्या स्क्वायर। सर आई की वैल्यू आपको यहीं कहीं दी हुई होगी 0.5 एम्पी, एन इज इक्वल टू यहीं कहीं दिया था, ठीक है, 1.6 × 10^-19 कूलाम, पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस 0.5 मिलीमीटर है, मिलीमीटर का मतलब 10^-3 मीटर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। सर मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा, मैं यूनिट सेट करके तो दिखा सकता हूं, पॉइंट फाइव का स्क्वायर 0.25, 10^-3 का स्क्वायर 10^-6, ठीक है ना। अब देखिए यूनिट सेट कर देता हूँ, देखिए ये मीटर स्क्वायर से कुल मिलाकर मीटर स्क्वायर कट जाएगा, एम्पियर का मतलब कूलाम पर सेकंड होता है, कूलाम से कूलाम कट जाएगा, ये मीटर चला जाएगा ऊपर, ये मीटर ऊपर चला जाएगा और ये सेकंड कूलाम पर सेकंड होता है, सेकंड नीचे रहेगा ही जाएगा, तो मीटर पर सेकंड आना चाहिए चूँकि वी डी का यूनिट मीटर पर क्या ही होता है, सेकंड ही होता है। और जब आप इस कैलकुलेशन को कर लोगे, ये कैलकुलेशन करना मेरा काम नहीं है, ये कैलकुलेशन करना आपका काम है, 0.995 × 10^-4 मीटर पर सेकंड। यूट्यूब का उपयोग पढ़ने के लिए किया जाता है, कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है, ना कि किसके लिए बेटा, क्वेश्चन का कैलकुलेशन जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रखा है, कह रखा है कि एक वायर है उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो दे रखा है 2 × 10^28 पर मीटर क्यूब, यानी स्मॉल एन दे रखा है पर मीटर क्यूब, मैं 1 लगा देता हूँ ऐसे, ठीक है ना। कह रखा है कि तार में इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 cm/s है, वी डी 1 cm का मतलब −2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। कह रखा है एक बात बता दें, करंट डेंसिटी की गणना कर दें, कैलकुलेशन ऑफ द करंट डेंसिटी जे। सर जहां तक मैं जानता हूं ये होता है बेटा, ए को नीचे ले आओ, ठीक है, आई अपान ए ही जे है, एन की वैल्यू आपको सवाल ने प्रोवाइड कर दी है, ई की वैल्यू सबको पता है, ठीक है, एंड वी डी की वैल्यू आपकी आंखों के सामने है। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो बेटा पूरी दुनिया जानती है 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बचेगा,
अब कूलाम पर सेकंड का मतलब सबको पता है एम्पियर होता है, कूलाम पर सेकंड। और अपान में यहाँ मीटर स्क्वायर बच रहा है और जे का यही यूनिट है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब अगर आप कैलकुलेशन थोड़ा मोड़ा कर लेते हैं तो फिर समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए। 3.2 × 10⁷ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट बहुत हैं बतौर बोर्ड एग्जाम्स, मैं बता दे रहा हूँ। 11वां नंबर कह रखा है कि एक बेटा जो है कॉपर की एक वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 3 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है, ठीक। 4.8 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। कह रखा है कि एक बात बताएं, क्या चीज़? करंट डेंसिटी बता दें। ये भी कोई क्वेश्चन है भला? ऐसा भी बदतमीज क्वेश्चन होना चाहिए भला? नहीं होना चाहिए। आई अपान ए होता है। सर 1.6 होता है, 1.6 होता है। 10 वाला हटा दो, 0 बढ़ा दो, 4 × 2 = 16 × 2 = 10। 5/8 × 10⁻⁴ ये हो जाएगा। मतलब एकदम गंदा आदमी है ये, गंदा आदमी है ये। आई एम सॉरी, देख रहे हैं वो गलती हो गई हमसे, पलट के रख दिया मैंने इसको थोड़ी सी गलती के कारण। हटाओ, फिर से निकाल दो बेटा। आई अपाने, इतना सिंपल क्वेश्चन था, मैं गाली दे रहा था इसको और अपना ही गलत कर बैठा। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कभी कभी ना आदमी को, तो आदमी डूब जाता है। वो हमारे यहाँ शहरों में एक कहावत है कि चतुर कौआ गू खोदते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है वो देखिए। क्रॉस सेक्शन एरिया 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। फिर क्या चीज कह रखा है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁸ पर मीटर क्यूब, 2 × 10⁸ पर मीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है। 3.2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब दो चीजें पूछ रखा होगा, धारा घनत्व तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाहक, जे करंट डेंसिटी एंड वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर जे इज इक्वल टू तो पूरी दुनिया जानती है, आई अपान ए होता है। ए की वैल्यू आपको दे रखा है सर, यहाँ से जे इज इक्वल टू 3.2 × 10⁻⁷ ऊपर जाएगा +7 एम्पियर। अब उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इज इक्वल टू एन ई वी डी होता है, ठीक है ना सर? I अपान A इज इक्वल टू एन ई वी डी होता है। ये J होता है, और अगर आपको यहाँ से वी डी चाहिए तो J अपान एन ई कर दीजिए। J की वैल्यू आपने निकाली दी है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और एन ई की अगर बात कर दें तो N बराबर दिया है, और E की वैल्यू सबको पता है सर, मीटर स्क्वायर से ये कट जाएगा। और एम्पियर का मतलब सबको पता है कूलाम पर सेकंड होता है, कूलाम कूलाम कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर ऊपर चला जाएगा, ये मीटर ऊपर चला जाएगा, और बटे में सेकंड बचा हुआ है। और अब रही बात जिम्मेदारी आपके कैलकुलेशन की, तो वो आप करेंगे, उसको मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो 1 × 10⁻² आ जाएगा मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रखा है? 1 मिलीमीटर डायमीटर है, कोई जो है बेटा सिल्वर का वायर है, 75 मिनट में 90 कूलम चार्ज, ठीक है ना। वायर 1 मिलीमीटर रेडियस का, 1 मिलीमीटर सबको पता है -3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और डायमीटर है तो रेडियस जो यहाँ से आएगा 0.5 × 10⁻³ मीटर। अगर आप बहुत समझदार हैं तो 5 × 10⁻⁴ मीटर, ठीक। फिर क्या कह रखा है? 75 मिनट में, सर मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, 90 कूलाम चार्जर कह रखा है पर सेंटीमीटर क्यूब,
वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3.2 एम्पियर। क्लोज कर दो इसे, ठीक है, 5.8 × 10⁻²² पर मीटर क्यूब। कह रखा है कि एक बात बताएं, पहले तो करंट बता दें सर, क्यू बाई टी होता है और क्यू आपको दिया हुआ है 90 कूलम, टी आपको दिया हुआ है 75 × 60 सेकेंड। 3 × 3 = 3 × 2 = 25, मेरे हिसाब से 0.2 एम्पियर, ये तो करंट अमाउंट हो गया, 0.02 एम्पियर हो जाएगा यार, कैलकुलेशन कर लेना। फिर क्या कह रखा है, अपवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी NEAVD, यही तो होता है I = NEAVD, और VD अगर आपको चाहिए तो I/NEA कर दो सर। VD = I की वैल्यू आपको दे रखा है एम्पियर, N यही कहीं दिया था अभी, ये पर मीटर क्यूब, E A, अब चूंकि रेडियस दिया है तो फिर आपको एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू अगर यहीं पर रख दिया जाए तो 22/7 और रेडियस आपको 5 × 10⁻⁴ - 8 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे यार, मीटर स्क्वायर से कट जाएगा। एम्पियर का मतलब कूलाम पर सेकंड होता है, कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर के कैलकुलेशन करना आपका काम है, मैं यूनिट सेट कर दे रहा हूँ, मीटर ऊपर चला जाएगा और सेकंड बाई के नीचे आ जाएगा, और जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे वीडी की तो आपको मिल जाएगा 2.7 × 10⁻⁻⁰ कितना बेटा आ जाएगा 6, ठीक। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं -4 - 2 मीटर पर सेकेंड, अगर आप चाहें तो इसको अभी थोड़ा सा और भी क्लियर कर सकते हैं, इसको सेंटीमीटर पर सेकंड देख सकते हैं, आपको वीडी मिल गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्या चीज़ है, कह रखा है बेटा कोई एक लोहा है, आयरन है, उसकी छड़ है, कोई रॉड है, उसका लेंथ फोर मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया उसका 2 सेमी स्क्वायर। सर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलने के लिए डायरेक्ट -4 सेमी। कह रखा है कि बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 10 × 10⁻⁶, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 10 × 10⁻⁶ ओम सेमी, ठीक है ना। और आपसे पूछ रखा है रेजिस्टेंस बता दें, आपको चाहे तो उसको मीटर में बदल सकते हैं, 10⁻⁶ × 10 और सेमी को बदलने के लिए 10⁻², कर सकते हैं, ठीक है, तो ओम मीटर हो जाएगा। यहाँ से रो की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10⁻⁷, -4 - समझ गए होंगे ना, ओम मीटर, ये आ गया। क्या कह रहा कैलकुलेशन करने को, कह रखा सर आर बता दीजिए, तो सबको पता है रो तो दे ही दिया है, ओम मीटर, एल की वैल्यू ऑलरेडी मैंने लिखी है 4 मीटर, ए की वैल्यू लिखा होगा यहीं कहीं 2 × 10⁻⁴ m², समझदार हो जाइए, कैलकुलेशन जब तुम सारा कर लोगे तो लगभग आ जाएगा 2 × something, कितना था 2 × 10⁻³, करके देख लीजिए, ठीक है ना, -3 ओम, ठीक है, क्लियर। 15 देखें क्या कह रखा है, इसने कहा बेटा 120 सेंटीमीटर लेंथी और 0.04 मिलीमीटर डायामीटर, तो इसका मतलब रेडियस, तो ये चीज़ है।
कह रखा है कि रेजिस्टेंस 25 ओम है, 25 ओम रेजिस्टेंस, ठीक। कह रखा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को बताएं, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ही एरिया की बात कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर एल आपको दिया है, सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए इतना इस कर देते हैं सर, पाई सर आर का स्क्वायर कर देंगे, ये आप देख पा रहे हैं ये मिलीमीटर का मतलब लो -3 मीटर -5 मीटर स्क्वायर कर दोगे ना, अब तो समझ गए होगे, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -10 मीटर स्क्वायर अपन 120 कैंसिल। कैलकुलेशन की जिम्मेदारी आपकी, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी। 8 ओम मीटर कैलकुलेशन आप करिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, एक वायर है बेटा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर है, ठीक है, लेंथ 0.30 मीटर है, 0.30 मीटर है, इसका रेजिस्टेंस 6 ओम है, रेजिस्टेंस 6 ओम है, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, इसका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सिग्मा 1/ कितना होता है, रो बेटा 1/ रो, रो इज इक्वल टू आर इन टू ए वाई क्या होता है, अलग बदतमीजी मत करो नहीं तो फिर गरियाने लगूंगा मैं, ऑनलाइन क्लास है कुछ कहते नहीं है, जिसने ऑफलाइन क्लास पढ़ी हो कमेंट समेंट में से ढूंढ दो, गरियाने लगता हूँ तुरंत, एक मिनट में बुद्धि सही हो जाती है, ठीक है, और इस बात में कोई डाउट नहीं है, हम बहुत देखे हैं फिजिक्स विजिक्स पढ़ाने वालों को, ऑनलाइन पे चाहे कोई कितना भी अच्छा पढ़ाए, ऑफलाइन में कोई मेहनत नहीं करना चाहता है ना, ऑनलाइन में पैसा देता है यूट्यूब, इसलिए लोग खूब पढ़ा रहे हैं, तमाम तमाम के एक्सपर्ट को बुला करके, स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, कहाँ भाग जाते हैं सब लोग, क्यों नहीं मन से तब पढ़ाते, कौन सा बड़ा ताज खेल दे रहे हैं ऑनलाइन पर बहुत अच्छा पढ़ा करके, ऑफलाइन क्लास में जिसके लिए गवर्नमेंट आपको इतनी दौलत देती है, ऑफलाइन क्लास में जहाँ बच्चे भी तो आप के ही ऊपर डिपेंड रहते हैं, वहाँ क्यों नहीं मन से कोई पढ़ाता, रुपये के लिए बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, जो मुझसे ऑफलाइन पढ़े वो देखे हैं क्या मेहनत चीज़ होती है, और फिजिक्स पढ़ाई कैसे जाती है, क्या होती है पढ़ाई, ठीक है बेटा। आर कितना ओम, 6 ओम, एरिया 1 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर, लेंथ 0.30 मीटर, 0.30 मीटर, ठीक है ना, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, और बाकी कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी, और यहाँ से जो ये आ जाएगा सब कुछ जब आप कैलकुलेशन कर लोगे तो 5 × 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि जब नीचे से मीटर और ओम ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, हो गया। ये तो था क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रखा है, कह रखा है बेटा कि 0.46 मिलीमीटर डायामीटर है, 0.46 मिलीमीटर, इसका मतलब जो है कि जो आपका रेडियस है 0.23 मिलीमीटर, अगर आप इसको चाहें तो -3 मीटर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या चीज़ कह रखा है, इसका रेजिस्टेंस कह रखा है कि इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 5 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर का मतलब मीटर, इतना इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, आप चाहते तो इसको ओम मीटर लिख सकते हैं, रो। फिर क्या चीज़ कह रखा है इसे 10 ओम का कुंडल बनाना है, कुंडल बनाना है 10 ओम का, लेंथ पूछ रखा है, सबको पता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है, L निकालना है तो R इंटू ए, इसको इधर भेज दो, रो को नीचे ले आओ, सारी चीज़ें पुट कर दो, R बराबर पुट कर दो, यहीं कहीं लिखा है 10 ओम, A बराबर पुट कर दो, यहीं कहीं लिखा था, A बराबर निकालना पड़ेगा, पाई
ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 0.23 × 10⁻³ मीटर का क्या करो स्क्वायर, ठीक है ना, अपान हो गया ये, रो लिखा है कहाँ गया 50 × 10⁻¹ ओम मीटर, अगर देखें तो ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और लेंथ मीटर का स्क्वायर करोगे ख़त्म हो जाएगा, केवल मीटर में आंसर आएगा, कैलकुलेशन करना आपकी ज़िम्मेदारी है, सब कुछ नीचे लिखा है कैलकुलेशन कर दीजिएगा, हम ला दे रहे हैं 332 × 10⁻²⁰ मीटर आएगा, अगर आप इसको चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कह रखा है नाइक्रोम की एक वायर है बेटा जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 100 μΩ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 100 μΩ है, सर इसको आप अगर चाहें तो 100 μ का मतलब 10⁻⁶ लिख सकते हैं, ओम सेंटीमीटर का मतलब 10⁻²⁰ मीटर लिख सकते हैं, यानी आप इसको सही तरीके से अगर लिखें तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा, ये खत्म हो जाएगा 10⁻⁶ ओम मीटर हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फिर क्या चीज़ कह रखा है इसमें कि इसका लेंथ जो है 5 मीटर है, एल इज इक्वल टू कितना है बेटा 5 मीटर है, फिर उसके बाद क्या चीज़ कह रखा है 0.01 cm² क्रॉस सेक्शन एरिया है, 0.01 cm² इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, फिर क्या चीज़ कह रखा है अगर आप चाहें तो इसको मीटर में बदल सकते हैं 10⁻⁴ m² हो जाएगा, cm² मीटर² बदलोगे तो फिर कह रखा है बेटा क्या चीज़ कह रखा है रेजिस्टेंस बता दीजिए, आर इज इक्वल टू क्या होता है रो इंटू एल बाई ए होता है, सर रो की वैल्यू अगर आप देखें तो 10⁻⁶ ओम मीटर होता है, और एल की वैल्यू अगर बात कर लें तो 5 मीटर दे रखा है, और ए की वैल्यू बात कर लें 0.01 × 10⁻⁴ m² हो जाएगा, ठीक है ना। कुल मिला करके कैलकुलेशन आपके हक में है, वो आप करेंगे वो मैं नहीं कर पाऊंगा बेटा, इसका जो आंसर आएगा वो 5 ओम आ जाएगा, 5 ओम कैलकुलेशन अगर आप कर ले जाते हैं तो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा 19 आ जा रहा है, वो क्या चीज़ कह रखा है देखिए, कह रखा है कि कॉपर का एक जो है टुकड़ा है बेटा उसका मास 50 ग्राम है, 50 ग्राम उसका मास है, बहुत इजी ये क्वेश्चन है। फिर क्या चीज़ कह रखा है बेटा, कह रखा है इस टुकड़े से 50 मीटर लेंदी वायर बनाया जाता है, 50 मीटर लेंदी वायर बनाया जाता है, एल इज इक्वल टू 50 मीटर। फिर क्या चीज़ कह रखा है कि आगे देखिए बेटा, कह रखा है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले देख लीजिए इसका रेजिस्टेंस पूछ रखा है, और क्या चीज़ इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है 1.8 × 10⁻⁸ ओम मीटर प्रोवाइड कर रहा है, और इसकी जो डेंसिटी प्रोवाइड कर रखा है बेटा 9 × 10³ kg/m³ प्रोवाइड कर रखा है। अब देख लीजिए इसका रेजिस्टेंस आर निकालना है, सबको पता है आर इज इक्वल टू रो इंटू एल वाई क्या बेटा ए होता है, ठीक है, आर इज इक्वल टू सर रो की वैल्यू तो हमको दिख रही है ही कहीं 1.8 × 10⁻⁸ ओम मीटर, एल की वैल्यू देख रही है 50 मीटर बेटा, लेकिन सर हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ हमारे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको मास दे रखा समझिएगा क्रॉस सेक्शन एरिया सबको पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है क्या बेटा एल इंटू क्या ए होता है, अगर ए चाहिए आपको तो वी बाई एल कर दो, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मतलब सोचने की बात है, वॉल्यूम मतलब होता है क्या चीज़, यहाँ देखो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या होता है आयतन होता है, तो फिर अगर आप वी को इधर ले आएंगे तो एम बाई कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना, मास अपान क्या डेंसिटी इंसू क्या होता है एल हो जाएगा, ये कितनी आसानी से आ गया। तो कुल मिला करके अब देख लीजिए ए इज इक्वल टू अगर मास की बात कर लें तो 50 और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻³ हो जाएगा, ये किलोग्राम हो जाएगा, डेंसिटी की अगर बात कर लें तो कितना हो जाएगा 9 × 10³ kg/m³ हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू यल कितना है बेटा 50 मीटर दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा कितना आसानी से निकल आया, सर देखिए किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा मीटर स्क्वायर रहेगा, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, कितना आसानी से आ गया ए इज इक्वल टू 1/9 × 10³ और मीटर स्क्वायर कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, और ऊपर 10⁻³ क्या भी है -3 भी है, अगर सही तरीके से देखा जाए 1/9 × 10⁻⁴ ये भी ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा बेटा, मतलब कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर एरिया आपको मिल गया 1/9 × 10⁻⁶ मीटर का क्या स्क्वायर आर चाहिए आपको, सर अगर आप देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, आप कैलकुलेशन आपके हाथ में है, जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 8.1 ओम आ जाएगा, 8.1 क्या बेटा ओम आ जाएगा, ठीक, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा 20 है बेटा, एक देख लीजिए, एक ऐसा कोई
सिलेंडर है बेटा, ठीक है। इसका इंटरनल वो खोखला ही हालू है, इसका इंटरनल रेडियस R1 बराबर 10 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल रेडियस R2 बराबर 20 सेंटीमीटर ये दे रखा है। फिर क्या चीज़ कह रखा है कि इसकी लेंथ 1 मीटर है, ये भी कितना आसानी से आ जाता है आंसर वन सर्वा। फिर कह रखा है बेटा इसका रेजिस्टेंस बता दें, इसका R बताना है, जबकि इसकी रेजिस्टिविटी दी हुई है 2×10⁻¹ ओम मीटर। सर कितना आसानी से निकलेगा, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है। अब देख लीजिए रो आपको दे ही दिया -8, ठीक है ना, ओम मीटर। अब एल की बात कर दें 1 मीटर, सर एरिया की बात कर दीजिए, हाँ पाई R2 स्क्वायर माइनस क्या होता है R1 स्क्वायर। अब देख लीजिए आप रो की वैल्यू रख ही चुके हैं, ओम मीटर सर 1 मीटर, सर पाई का मतलब 22/7 होता है, लेकिन R2 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर मतलब 400 हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, R1 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर मतलब 100, सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन क्या है यार, सेंटीमीटर का मतलब मीटर का स्क्वायर लगाना ही था। अब उस कैलकुलेशन तो आपके हक में है, मैं कैलकुलेशन ना कर पाऊंगा भैया, कैलकुलेशन मुझसे ना करवाइए, कैलकुलेशन आप खुद करिए। जब आप सारी चीज़ें सॉल्व कर लेंगे तो आंसर ओम में आएगा और वो आएगा 2.1×10⁻⁷ ओम ओम, ठीक है बेटा ये हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या चीज़ कह रखा है, इसने कहा है एक तार है जिसकी जो लेंथ है बेटा 100 मीटर और डायमीटर 2 मिलीमीटर है, लेंथ 100 मीटर है, ठीक है ना, और डायमीटर मतलब 2 times ऑफ रेडियस कितना है 2 मिलीमीटर है। ये क्वेश्चन कह रखा है मैंने बिल्कुल नहीं कर, कह रहा है बेटा इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है 4.8×10⁻⁸ ओम मीटर, 4.8×10⁻⁸ ओम मीटर ये इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन क्या है इसी पदार्थ का, इसी मैटर का बना हुआ, इसी मटेरियल का, तो अगर इसका रो जितना होगा इसका रो उतना ही रो दूसरे का भी होगा, ठीक है ना, कह रखा है। लेकिन उसका जो क्या कहा बेटा कि उसका जो डायमीटर है वो 2 times है इसका, मतलब उसका डायमीटर इसका 2 times है मतलब 4 मिलीमीटर है, ये तो बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या चीज़ कह रखा है बेटा कि उसका एक काम करें रेजिस्टेंस बता दें, अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो उसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ R कितना डैश, यही आपको बताना है। सर R इज इक्वल टू रो इंटू एल वाई क्या होता है ए होता है, तो सर R डैश इज इक्वल टू क्या होता है रो इंटू एल वाई क्या होता है ए एल डैश बाई ए डैश हो जाएगा। सर दिक्कत मेरे पास क्या है R डैश निकालने के लिए, सर रो तो हमको पता है लेकिन हमको एल डैश क्या चीज़ है ये नहीं पता है एल डैश, कोई बात नहीं एरिया पता है, हाँ मुझे एरिया पता है, कैसे आपको एरिया पता है मुझे बस पता है तो पता है क्या कर लोगे तुम इसको, ठीक है ना, गुस्सा आ जाती है मुझे तो एरिया कैसे पता है। सर एरिया इज इक्वल टू पाई आर डैश स्क्वायर हो जाएगा। सर प्रॉब्लम ये है आपको एल डैश नहीं पता, तो एल डैश पता कर लेंगे, कैसे पता कर लेंगे सर यहाँ से पता कर लेंगे एल डैश, देखते जाओ कैसे पता कर लेंगे एल डैश। देखो आपको पता है कि जितना मास इसका था उतना ही मास इसका है नए वाले का, मतलब जितने द्रव्यमान से इस वायर को बनाया गया था उतने ही मास के कॉपर से इस वायर को भी बनाया, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा सेम। अरे यार 1 kg का लोहा लेकर के इस वायर को भी बनाए और 1 ही kg लोहा लेकर के इस वायर को भी बनाए तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा ना, एकदम बदतमीजे हो क्या, वी बराबर वी डैश, तो ए इंटू एल बराबर ए डैश इंटू क्या हो जाएगा एल डैश, तो मुझे चाहिए क्या सर एक्चुअल में मुझे एल डैश ही तो चाहिए, तो एल डैश बराबर ए इंटू एल वाई क्या हो जाएगा ए डैश हो जाएगा, ए इंटू एल वाई क्या हो जाएगा ए डैश हो जाएगा। देख लिया आपने अपनी आंखों से, आ गया आराम से, कितना आसानी से भक्क से निकल आया। तो सर कैसे सर इसका कुछ मतलब है, मतलब क्या करते हो, आओ निकलवा देते हैं, समझ तो गए होगे एल डैश, लो भाई लो निकलवा लो एल डैश निकलवा लो, कोई बड़ी बात नहीं है निकलवा लो आज हमसे एल डैश कैसे निकलेगा। एरिया भाई, एरिया का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर मल्टी, एल आपको दिया है रहन दो, फिर ए डैश बराबर कितना बेटा पाई आर डैश का स्क्वायर, पाई पाई कट जाएगा, एल डैश बराबर कितना आ गया आर स्क्वायर अपान आर डैश का स्क्वायर मल्टी कितना एल हो जाएगा, एल डैश बराबर सर आर अपान आर डैश, आर अपान आर डैश। आप देख लीजिए अगर आर को किससे डिवाइड करोगे, आर डैश से डिवाइड करोगे, समझ जाओ अगर आर को आर डैश से डिवाइड करोगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, स्क्वायर कर देगा इसको, ठीक है। अब उसके बाद मल्टी एल बराबर कितना है बेटा, यहीं कहीं 100 मीटर है, 100 मीटर। आप देख लीजिए यहाँ से जो एल डैश आ जाएगा 4 से डिवाइड करोगे 25 मीटर आ जाएगा, यानी आपका आसानी से आ गया, ठीक है ना। अब रो की वैल्यू रख दो 4.8×10⁻⁸ ओम मीटर, एल डैश की वैल्यू कितनी आ गई 25 मीटर आ गई,
ठीक है। अब पाई की बात कर लें तो पाई का मतलब 22 अपान कितना होता है 7 होता है। अब आर डैस का स्क्वायर अगर करोगे, आर डैस का स्क्वायर तो 4 2 आ जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, मिलीमीटर का स्क्वायर 10^-3 का स्क्वायर 10^-6 कितना हो जाएगा 6 भैया इसको मीटर। अब यार आर डैस अगर यहाँ से निकालोगे तो 2 मिलीमीटर ही तो आएगा, 2 मिलीमीटर का मतलब 10^-3 स्क्वायर करोगे 4 × 10^-6 मीटर का स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, कुल मिलाकर के आर डैस की वैल्यू आनी तो इसको सॉल्व करने पर ओम ही है। अब कैलकुलेशन करने पर आंसर कितना आएगा ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, 0.0955 ओम आएगा, 0.0955 क्या आ जाएगा ओम आ जाएगा, ये क्लियर हो गया आपका। पर नेक्स्ट दो तीन गंवार आ गए मेरे यहाँ, एकदम लिबिल लिबिल मचा रखे हैं। कह रखा है 5 ओम का एक वायर है बेटा और इसको खींच करके इसकी लेंथ को 3 टाइम्स कर दे रहे हैं, मतलब पहले लेंथ L था और बाद का लेंथ इसका 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या चीज़ कह रखा है बेटा, कह रखा है इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान लेते हैं पहला रेजिस्टेंस R था, न्यू रेजिस्टेंस R डैस हो गया, ठीक है ना, ये मान लेते हैं। तो सर कितना होगा R डैस, एक चीज़ और मैं आपसे कह रखा हूँ कि अगर मैं मान लो इसका एरिया A था, इसका एरिया A डैस है, सर हमको पता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है। अब इसी वायर को खींच कर इसको बनाया है तो रो में तो कोई चेंज दोनों में होगा नहीं, अगर ये कॉपर का था तो वही तो खींचा गया है तो ये भी कॉपर का ही होगा तो रो सेम होगा। सर यहाँ से रेजिस्टेंस रो इंटू एल डैश बाई क्या बेटा ए डैश, न्यू रेजिस्टेंस आर डैश को आर से डिवाइड करो कट जाएगा, क्या हो जाएगा एल डैश अपान ए डैश हो जाएगा और एल बाई ए हो जाएगा। सर एल डैश अपान एल हो जाएगा, ए ऊपर जाएगा अपान ए डैश हो जाएगा, सर आर डैश अपान आर हो गया, सर एल डैश को डिवाइड कर दो, एल डैश अपान एल की वैल्यू कितनी होती है यहाँ से, एल डैश अपान एल की वैल्यू हो जाएगी कितनी 3/1 हो जाएगी। सर जो प्रॉब्लम है वो ए अपान किसको लेकर के है, ए डैश को लेकर के है, कोई बात नहीं हमको पता है सर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा चूँकि उसी वायर को तो खींच दिया है तो ए इंटू एल इज इक्वल टू ए डैश इंटू एल डैश होगी। सर मुझे जहाँ तक लगता है ए अपान ए डैश की जो वैल्यू है एल डैश अपान एल वाला ही होगा, तो एल डैश अपान एल कितना होगा 3 ही होगा, यानी आर डैश अपान आर इज इक्वल टू ये तो 3 था ही और ये भी 3 होगा यानी 9 हो जाएगा। कुल मिलाकर के आर डैश इज इक्वल टू 9 इंटू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, 9 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है बेटा, अब मतलब नया रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस का कितना टाइम्स हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, और क्या कह दूँ, ठीक है ना। और आपको दिया भी तो है ये बराबर कितना ओम 5 ओम आपको दिया गया है 22 वाला क्वेश्चन में, तो कोई बड़ी बात नहीं है तो रख दो 45 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 कितना होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रखा है, एक वायर है उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और इसको 2 गुना लंबा कर दिया जाता है, एक वायर है इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है भैया इसको 2 गुना लंबा कर दिए, मतलब बिल्कुल सेम क्वेश्चन में है ये 2L, ठीक है, तो एरिया भी ए डैश हो गया। अब मैं आपको बता दूँ R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, क्वेश्चन वही है बिल्कुल, R डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल डैश बाई क्या बेटा ए डैश, R डैश को R से डिवाइड करोगे L डैश अपान L आएगा इंटू A अपान A डैश आएगा, और आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ L डैश अपान L और A अपान A डैश भी वही होता है जो L डैश अपान L है, यानी कुल मिलाकर ये है, ठीक है ना। अब अगर आपको यहाँ से दिखाई दे समझदारी से आर डैश इज इक्वल टू एल डैश अपान एल कितना है, एल डैश अपान एल करोगे 2 आएगा, फिर जो है एल भाई और ये भी एल डैश अपान एल, ए अपान ए डैश की जगह वो भी 2 ही है और इस आर को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 2×2=4 तो हम कितना 40 ओम आ जाएगा आर डैश, ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रखा है, कह रहा 1 kg कोई एक तांबे का टुकड़ा है बेटा 1 mm मोटा, ठीक है ना, 1 kg तांबे का टुकड़ा है और इसका जो, अब देखो मोटा, मोटा का मतलब क्या है, अगर तार के मोटाई की बात करें तो मतलब उसका क्या होता है डायामीटर होता है बेटा ये, तो 1 mm ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है। फिर क्या कह रखा है कि और 1 kg का ही एक दूसरा टुकड़ा भी है, ठीक है ना, और लेकिन उसका जो डायमीटर रखा जा रहा है बेटा वो रखा जा रहा है 2 mm, ठीक है, इसको R1 कर दो इसको R2 कर दो, 2 mm उसका डायमीटर रखा जा रहा है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर क्या क्या रखा है बेटा, क्या रखा है इनके रेजिस्टेंस को आप कंपेराइज कीजिए, बहुत सिंपल है, R1 इसको मान लें इसको R2, तो आपको रेडियस का मतलब रेजिस्टेंस का क्या बताना, रेशियोज बताना, भैया बहुत सिंपल है, कैसे सर आपको पता होना चाहिए R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, चूँकि मटेरियल सेम है तो फिर रो सबके लिए सेम होगा। सर ये हो गया R1 इज इक्वल टू रो इंटू L1/A1, फिर जो है उसके बाद क्या कहते हैं दूसरे का R2 इज इक्वल टू रो इंटू L2 बाई क्या
ए टू। सर अगर एक काम करें आर वन अपान आर टू कर देते हैं तो कट जाएगा एल वन अपान एल टू मल्टी ए टू अपान ए वन हो जाएगा। आप समझ सके होंगे मेरी बात को। सर उसके बाद क्या चीज़ कहिए, उसके बाद बहुत सिंपल है सर, आर वन अपान आर टू। देखें एल वन अपान ए टू, एल वन अपान एल टू, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ ए वन एल वन बराबर ए टू एल टू होगा, क्यों, चूंकि दोनों के मास सेम थे तो वॉल्यूम भी सेम होंगे। सर अगर यहाँ से एल वन अपान एल टू निकालोगे तो ए टू अपान क्या आएगा, ए वन आएगा। तो जहाँ एल वन अपान एल टू है वहाँ पर क्या रख दो, ए टू अपान ए वन रख दो। सर आपने एल वन को क्यों एक टर्म में लाया, क्योंकि आपको ए के बारे में इंफॉर्मेशन रेडियस दिया है, एल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ए टू अपान क्या हो गया, ए वन हो गया। सर कुल मिलाकर के ए टू अपान ए वन का स्क्वायर हो जाएगा सर पाई आर वन स्क्वायर अपान पाई क्या हो जाएगा आर टू स्क्वायर, और इस टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आर वन अपान आर टू की जो वैल्यू आएगी वो आर वन अपान आर टू का होल पावर फोर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर फोर हो जाएगा। सर आर वन अपान आर टू की बात कर लें तो सर आर वन अपान आर टू स्मॉल आर वन कितना है बेटा, अगर आप यहीं से देख लें आर वन अपान आर टू तो कितना हो जाएगा, मतलब कुल मिला करके ये, ठीक है, अगर आप समझदार हैं तो भैया हो गए वन बाई कितना ही आएगा, टू ही आएगा, और इसकी पावर फोर हो जाएगा, मतलब वन बाई कितना आ जाएगा, सिक्सटीन आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा रेजिस्टेंस का कंपेरिजन हो गया बिल्कुल सिंपली। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर कितना, 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रखा है इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 24 तक किया मैंने अभी, हाँ 25 क्या कह रखा है, क्या रखा है बेटा, कोई कॉपर वायर ए एंड बी है और ए की लेंथ बी की लेंथ की टू टाइम्स है। कोई कॉपर वायर ए एंड कौन है, बी है, और कह रखा है ए की जो लेंथ है वो बी की लेंथ की कितना है, टू टाइम्स। कोई बात नहीं सर। फिर क्या चीज़ कह रखा है बेटा, कह रखा है कि ए का रेजिस्टेंस 160 ओम है और मास दोनों का सेम है, मास दोनों का सेम है। कह रहा है ए का रेजिस्टेंस 160 ओम है, कह रहा है सर बी का रेजिस्टेंस बता दें 40 ओम आएगा, ठीक है, लेकिन मैं लगा दे रहा हूँ कैसे। देखिए आर ए इज इक्वल टू रो इंटू यल ए और बाई ए ए हो जाएगा, और आर बी इज इक्वल टू रो इंटू यल बी और बाई ए बी हो जाएगा। सर अगर आप चाहें तो बी का निकालना है तो आर बी अपान आर ए कर दें, तो सर एल बी अपान एल ए हो जाएगा, ठीक है ना, मल्टी ए ए अपान क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये होता है सिंपली, और कई बार हम आपको प्रूफ करके दिखा चुके हैं। सर एल बी अपान एल ए यहाँ से आप निकाल लो, एल बी अपान एल ए निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, एल बी अपान एल ए वन बाई टू आ जाएगा, ठीक है ना। और अभी अभी मैंने कहा था कि भैया एल वन अपान एल टू ए टू अपान ए वन है, तो भैया जहाँ पर एल बी अपान एल ए है वहाँ रहने दो, लेकिन जहाँ ए ए अपान ए बी है वहाँ हो जाएगा एल बी अपान क्या एल ए, ये होगा आप जानते हैं, चूँकि मास सेम है तो वॉल्यूम सेम है तो वही चीज़ निकालना पड़ेगा, आर बी अपान आर ए। सर यहाँ से एल बी अपान एल ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो एल बी अपान एल ए बराबर वन बाई टू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। सर यहाँ से आर बी इज इक्वल टू वन बाई कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, और आर ए को इधर भेज दिया जाएगा, ठीक है ना, और आर बी बराबर वन बाई फोर 160 ओम हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे बराबर आ जाएगा 40 ओम आ जाएगा। क्लियर, क्या रखा है, क्या रखा है, एक वायर है उसका रेजिस्टेंस 60 ओम है, 26 नंबर, एक वायर है उसका रेजिस्टेंस 60 ओम है, 16 ओम है, मैं भी गलत पढ़ देता हूँ कभी कभी, कह रखा है उसको पिघला करके पहले से आधी लंबाई कर दी जाती है, यानी अगर पहले एल था तो एल डैश बराबर एल बाई टू कर दिया जाता है, ठीक है। फिर कह रखा है नया रेजिस्टेंस क्या होगा, भैया इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा यानी आर डैश क्या होगा। सर मैं जानता हूँ आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई क्या होता है, ए होता है। सर आर डैश इज इक्वल टू रो इंटू उसी वायर को पिघलाया गया तो फिर रो चेंज नहीं होगा, एल डैश बाई क्या हो जाएगा, ए डैश। सर रो डैश आर डैश अपान आर क्या होगा, हो तो गया एल डैश अपान एल मल्टी ए अपान क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। और आपको बता देते हैं एक बात अच्छे से, सर ए अपान ए डैश जो होगा वो एल डैश अपान एल ही होगा, तो एल डैश अपान एल की वैल्यू है कितनी सर, 1/2 है, तो 1/2 एक बार और हो जाएगा, कुल मिला करके आर डैश अपान आर हो जाएगा 1/4 कितना, 4। आर डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सर आर इज इक्वल टू 16 ओम है, कुल मिलाकर 4 ओम आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कितना, 7। क्या चीज़ कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 27, कोई वायर है उसको 20 सेंटीमीटर लंदी क्या करते हैं, उसको तार को खींच करके, ठीक है, कोई मेटल है उससे 20 सेंटीमीटर लेंदी वायर बनाते हैं, ठीक है ना, कोई मेटल है उससे 20 सेंटीमीटर लेंदी वायर बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या रखा है बेटा कि उसकी लेंथ को जो है 25% इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब जो न्यू यल डैश है वो यल
जो न्यू लेंथ मतलब पहले एल लंबाई का था, इसमें 25% लंबाई बढ़ा देते हैं, मतलब जो न्यू लेंथ है वो एल में एल की 25% को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है ना। यानी एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस एल इंटू 1/4, कुल मिलाकर एल डैश इज इक्वल टू 5, एल वाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या चीज़ कह रखा है कि न्यू रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हो गया, न्यू रेजिस्टेंस में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब आर डैश माइनस आर अपान आर मल्टी क्या 100। भाई न्यू रेजिस्टेंस आर डैश है, पहले कितना था आर था, अगर मैं मान लूँ पहले आर था, न्यू रेजिस्टेंस आर डैश है, तो इंक्रीमेंट आर डैश माइनस आर अपान आर मल्टी 100, चूँकि परसेंटेज निकालना है, तो सर इंक्रीमेंट मतलब आर डैश अपान आर माइनस आर अपान आर 1 हो जाएगा, मल्टी क्या 100, यही निकालना है आपको। तो सर आर डैश बटे आर की तो आपको वैल्यू ही नहीं पता है, तो पता कर लीजिए आर डैश बटे आर की वैल्यू। सर आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई क्या होता है, ए होता है, आर डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल डैश बाई क्या होता है, ए डैश होता है। सर अगर आप आर डैश को आर से डिवाइड करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, कुल मिलाकर के एल डैश अपान एल आ जाएगा इंटू ए अपान क्या आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ ए अपान ए डैश का मतलब भी एल डैश अपान एल ही होता है। एल डैश अपान एल की वैल्यू है कितनी सर, एल डैश अपान एल की वैल्यू 5/4 आएगी, यहाँ से निकाल लो, एल डैश अपान एल की वैल्यू 5/4 आएगी, तो एल डैश अपान एल डैश 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, यहाँ से वो एक्चुअली पानी लग गया, पसीना लग गया होगा मेरा, मुँह में चला गया, पी भी लिया मैंने, 5/4 का स्क्वायर 25 बटे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सर यहीं पर रख दीजिए, 25 अपान कितना 16, आपको चूंकि यही तो निकालना है, यही तो निकालना है आपको, आर डैश अपान आर माइनस 1 इंटू 100, तो माइनस 1 मल्टी 100, ठीक है ना, यही है। तो 25 में से 16 गया, कितना बचा बेटा 9 बटे कितना बचा 16, ठीक है ना, और माइनस हो तो गया 9 बटे 16 और गुणे कितना 100, ठीक है ना, 4 चौक 16, 25 चौक को 100 होता है, ठीक है ना, होता है ना ये। तो 25 नवियाँ कितना होता है, 25 नवियाँ 25 दहमा 250, 25 नवियाँ 225 और बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही परसेंट आएगा। और 4 पंचे 20 होता है, और 4 पंचे 20 होता है, फिर 4 पंचे 20 2 5, फिर 4 पंचे 20 फिर 5 बचा है, 4 छंग 24 कह दो चाहे, ठीक है ना, फिर 10 4 दुनाई 8 4 पंचे 20 इतना परसेंट, 56.25% की क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। सही भी है कि गलत है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर कितना था ये, हाँ 28 नंबर, क्या चीज़ कह रखा है क्वेश्चन नंबर 28। सर 200 वोल्ट का एक बल्ब है, 0.2 एम्पियर का करंट लेता है, 200 वोल्ट का एक बल्ब है, ठीक है सर, और 0.2 एम्पियर का करंट ले रहा है। फिर क्या कह रखा है क्वेश्चन कि इसके टेंथ की लंबाई फिलामेंट की जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है। फिर क्या रखा बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 7 × 10⁻⁴ ओम से भी है, क्या है 7 × 10⁵ ओम सेंटीमीटर है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है। क्या रखा, डायमीटर बता दें, 2R बता दें, कुल मिलाकर ये है। अब आप चाहे तो उसको ओम सेमी का मतलब 10⁻²² मीटर होता है, ओम मीटर हो गया, ठीक है। फिर क्या करिए, आइए शुरू कर देते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सर हमको पता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, सर R तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, वी अपान आई तो दिया है, ठीक है सर, एरिया को इधर ले आए, कुल मिलाकर मुझे मेरा मूड यही कहता है, तो यल ही है और उसके बाद एल इधर आई है, रो भी है, आई ऊपर चला जाएगा और वी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सर एल की वैल्यू हमको कितना दी हुई है, 22, ठीक है ना, सेंटीमीटर मल्टी, और रो की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये 5 ओम सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये हो गया, एल की वैल्यू हो गई, रो की वैल्यू हो गई, अब आई अपान क्या बाकी है, वी बाकी है, तो आई अपान वी की वैल्यू, आई बराबर 0.2 एम्पियर और वी की वैल्यू दे रखा है 200 का वोल्ट, ये कुल मिला करके बहुत इजीली आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखें ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 मल्टी 7 10⁻⁵, उसके बाद 0.2 अपान 200। सर यहाँ देख लीजिए सेंटीमीटर 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 क्या होता है, स्क्वायर होता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है सर, ये ओम होता है। अब अगर आप समझते हैं एम्पियर को मैं नीचे ला सकता हूँ, वोल्ट पर एम्पियर कह सकता हूँ, तो ओम हो जाएगा, ओम ओम कैंसिल हो जाएगा। अब रही बात कैलकुलेशन करने की, अब अगर आपको कैलकुलेशन करना है, मैं आपको बताता हूँ एरिया होता है पाई आर क्या बेटा, स्क्वायर, ये होता है एरिया कितना बेटा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
फिर बराबर 22 × 7 × 0.2 × 10⁻¹⁵, ये बेटा सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर और अपान 200। थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, पाई का मतलब होता है 22 अपान कितना 7 मल्टी आर स्क्वायर हो जाएगा, मल्टी कुछ नहीं होगा, मल्टी नहीं पल्टी कर दो साले को, 22 × 7 × 0.2 / 200 मल्टी 10⁻¹ सेंटीमीटर स्क्वायर। सर 22 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ से जो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी 7, इस 7 को भी इधर भेज दो, उसके बाद दशमलव हटा दो, जीरो बढ़ा दो, ये 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। और 10⁻¹ हाई है सर, 1000 ऊपर जाएगा, -3 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है सर। यहाँ से आर स्क्वायर 49 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर स्क्वायर सर, यहाँ से आर आ जाएगा 7 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस आ गया 7 × 10⁻⁴ क्या सेंटीमीटर। अगर आप इसको डायमीटर में बताना चाहते हैं तो 7 × 14 भाई, डायमीटर का मतलब होता है रेडियस का 2 times ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या रखा बेटा, कि एक गुटका है बेटा वो कार्बन का बना हुआ है, 1 cm, 1 cm, 50 cm, मतलब ऐसा है, आपको देखने में अभी समझ में आ जाएगा, ये है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, ये भी 1 cm ये, और ये भी 1 cm, लेकिन ये जो है ये 50 cm है, ठीक। कह रखा है इसका जो रेजिस्टेंस है बेटा, कह रखा है कि इसका आपको रेजिस्टेंस निकालना है, आर फाइंड आउट करना है। फिर क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दे रखा है, क्या चीज़ कह रखा है कि जो इसमें से रिक्टेंगल क्या बोलते हैं उसको, वर्क को क्या बोलते, जो स्क्वायर स्क्वायर शेप का जो इसमें आपको एक प्लेट दिखाई देगा, एक बार उनके बीच, मतलब ये एक बार आपको रेजिस्टेंस निकालना है इनके बीच, ये इन दोनों प्लेट्स के बीच रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के एरिया ये रहेगा आपका और ये आपका लेंथ रहेगा, ठीक है ना, रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, निकाल दिया जाएगा सर। आपको कार्बन का जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रखा है, कार्बन का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर ना भी दे तो भी आपको याद रखना चाहिए, 10⁻³ ओम सेंटीमीटर आपको याद रखना चाहिए। तो निकाल देते हैं रेजिस्टेंस, सर सबको पता है R इक्वल टू रो एल वाई क्या होता है, रो की वैल्यू, ये एक बेहतर क्वेश्चन हो सकता है, एल की वैल्यू 50 cm, और अगर ए की बात कर दें तो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, भैया एरिया यही है, एक एक कितना हो जाएगा 1 cm², क्लियर हो गया भैया। आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3.5 × 10⁻³ मल्टी 50 सर ओम, अगर आप चाहें तो मल्टी करा सकते हैं, 35 × 70 × 140 गुड़े 35 और जोड़ दीजिए, मिला करके 175 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1.75 में 17.5 गुड़े 10³ - 3 ओम आ जाएगा सर। और एक चीज़ मैं सच सच कह दूँ कि ये भी हट जाएगा जीरो, तो कुल मिला करके इतना आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपकी आँख के सामने है। और चाहो तो फिर मतलब कुल मिला करके इसको ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया। अब एक बार फिर क्या चीज़ कह रखा है, फिर क्वेश्चन कह रखा है बेटा आपसे कि एक बार फिर से रेजिस्टेंस बताएं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग चेंज कर दे रहा है, क्या चीज़ कह रहा है, दो आयताकार फलकों के बीच, मतलब आप इसको लो, इसके और इसके बीच आपको बताना है, समझ गए होगे मेरी बात को, मतलब एरिया तरीके ये बिहेव करे, ठीक है ना, ये एरिया तरीके और ये बिहेव करे, ये बिहेव करे लेंथ की तरीके, ये 1 cm, तो कोई बड़ी बात नहीं सर, हम उससे भी निकाल देंगे सर, रो तो वही है ओम सेंटीमीटर, एल जो है इस बार 1 cm होगा, एरिया जो है आपका इस बार ये होगा, मतलब कितना 50 cm × 1 cm, 50 cm × 1 cm सर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना। कुल मिलाकर के इस जीरो को हटा दो तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, मतलब हम बात बहुत खरी खरी कर रहे हैं, 0.07 आ जाएगा, मतलब बात हम बहुत खरी खरी कर रहे हैं, ठीक है ना। कुल मिलाकर 7 × 10⁻¹⁵ ओम आ जाएगा। अब हमारा आंसर सही है, ठीक है ना, बस अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर बेटा 30 है, और देख लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
कह रखा है बेटा एक मेटल है कोई 50 सेंटीमीटर लेंदी और 0.2 मिलीमीटर वायर, 50 सेंटीमीटर और 0.2 मिलीमीटर, ये क्या है बेटा इसका डायमीटर दिया हुआ है 2R, ठीक है, और रेजिस्टेंस दे रखा है 0.8 ओम इसका। फिर क्या कह रखा है, उसी सबस्टेंस का मतलब रो में कोई चेंज नहीं होगा, जहाँ तक यही है, आई एम सॉरी रो चेंज कर रहा है, वही सबस्टेंस नहीं, रो चेंज कर रहा है, इसका मटेरियल अलग है तो R1, रो 1, इसका मटेरियल अलग है, एक दूसरा भी देगा अभी, एक पहले पदार्थ का मटेरियल मतलब पहला मटेरियल जो है उसका रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रो 1 है, दूसरा जो मेटल दे रहा है जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन अभी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस R2 है। सर कह रखा है कि इनका लेंथ जो है 75 सेंटीमीटर, मतलब L2 इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, कितना बढ़िया सवाल है ये, झमझम पाणे एकदम, ठीक है ना। 0.1 मिलीमीटर इसका क्या है डायमीटर है, 0.1 मिलीमीटर इसका डायमीटर है। सर इसका रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा, 1.5 ओम दे रखा है, 1.5 ओम दे रखा है, ठीक है। कह रखा है इनके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का कंपैरिजन करिए, रो 1 अपान कितना बेटा R2 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो रो 1 इज इक्वल टू R into A1 अपान क्या होता है L1, रो 2 इज इक्वल टू R2 into A2 अपान क्या हो जाएगा L2, मैं बिल्कुल जो भी लिख रहा हूँ वो एकदम परफेक्ट लिख रहा हूँ। अब R1 अपान R2 निकालना है भैया, 0.8 अपान 1. कितना 5, ठीक है ना। A1 अपान A2 निकालना है भाई, A1 कितना है, A1 कहाँ गया, अयो A1 ये होगा बेटा, ये देखो ये आपको क्या करना पड़ेगा, पाई R1 स्क्वायर अपान L1, तो L1 की वैल्यू रख देना बेटा, कितनी L1 की वैल्यू अभी रख देता हूँ, ये लो L1 की वैल्यू कितना 50 सेंटीमीटर रख दिया, ठीक है, और अपान फिर देखिए A2 का मतलब पाई R2 स्क्वायर और L2 का मतलब आपकी आंखों के सामने है 75 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हट जाएगा, 8 बटे कितना आएगा 15 आएगा, गुड़े 75 ऊपर चला जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा, अब समझ जाइए R1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब R1 का स्क्वायर और बटे R2 का स्क्वायर मतलब R1 बटे R2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 25 तीन 75 और 25 तुना कितना बेटा 50 हो जाएगा, 3/2 3/5 15 और 2 4 8 कुल मिलाकर 4/5 हो जाएगा, गुड़े R1 बटे R2 आ जाएगा कितना बेटा, R1 बटे R2 आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2/1 कितना 1, यानी कुल मिलाकर आ जाएगा 8/ कितना 5 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर जो हमारा रो 1 अपान रो 2 आया वो आ गया 8/ कितना 5, ठीक है, आई एम सॉरी 16/5 इसमें आ रहा है, शायद हमने कहीं कुछ गलती की होगी और क्या, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हाँ की तो है ही है, मतलब कुल मिलाकर आ जाएगा 16/5। अब सॉल्व कर लोगे ना भैया, मैथड वहाँ यही रहेगा, कैलकुलेशन वहाँ आप कर लीजिएगा, 16/5 आ रहा है, ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और बहुत बदतमीज़ है अगर तो कोई बात नहीं, मैथड यही लगेगा, ठीक है, हाँ।